वो आधी रात थी। दासू सड़क पर चल रहा था। उसने कुछ दूरी पर सड़क पर एक महंगी कार खड़ी देखी। उस कार पर खून के निशान थे। अरे, ये मेरे मालिक की कार का नंबर लग रहा है। इस समय ये कार यहाँ क्यों है? वो भी कार पर खून के निशान है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो तुरंत कार के पास गया और उसने कांच की खिड़कियों से कार के अंदर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सर, महोदय, कोई है? उसने बहुत पुकारा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पत्थर से कार की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर देखा। मालिक और उसकी पत्नी मर चुके थे। दासू चौंक गया। मालिक, मैडम, किसने आपको इतनी बेरहमी से मारा? वो आदमी कौन है जिसने इतने महान व्यक्ति को मारा? इस बीच मरे हुए मालिक और उसकी पत्नी की आत्मा जाग गई। उन्हें देखकर दासू भूत भूत प्रेत आत्माएं जोर से हंसी। अरे, कहां बचकर भाग रहा है? हम तुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। तुम अभी तक हमारे लिए रो रहे थे ना, फिर अब हमें देखकर डर क्यों गए? हम भी आ रहे हैं, रुको। उन्होंने हवा में उड़ान भरी और दासू को पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे मत मारो। जब वो चीख रहा था, मालिक और उसकी पत्नी ने अट्टाहस लगाया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे तो दासू जोर से चिल्ला पड़ा। घर पर वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। वो झटके से उठकर बैठ गया। उसने एक बार इधर उधर देखा, अपने माथे का पसीना पोंछा। ओह, ये सपना था? मैंने सोचा कि असल में हो रहा था। जैसे उसे कुछ याद आया, वो बिस्तर से नीचे उतरा, बाहर आया। वो अपनी आंखों से इधर उधर कुछ खोज रहा था। फिर उसने वो देख लिया जिसे वो ढूंढ रहा था। ये कुछ और नहीं, वही महंगी कार थी जो उसने अपने सपने में देखी थी, जो उसके मालिक की थी, और सामने का सुंदर का घर भी उसके मालिक का था। कुछ साल पहले, वो रायसेन जिले का एक गांव है। उस गांव में एक जमींदार जिसे राजीव कहा जाता था, वहां रह रहा था। उसकी पत्नी सुमति है। राजीव विदेश में रहता था। अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए उन्होंने दासू नामक एक नौकर को नियुक्त किया था। वो अब उनकी संपत्ति की देखभाल करता था। हर बार की तरह उस साल भी राजीव अपनी पत्नी सुमति के साथ गर्मी की छुट्टी में अपने गांव आया था। राजीव गरीब लोगों के लिए अपने दिल में बहुत दया रखता था। वो उन्हें प्यार से देखता था। जब भी वे कोई मदद मांगते थे तो वो उनकी मदद करता था। राजीव ने गरीब किसानों को अपने 100 एकड़ खेत देने की योजना बनाई। दासू, हर साल हमारे लिए अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर यहाँ आना एक समस्या है। हमने वहीं बसने का फैसला किया है। इसके अलावा कई वर्षों से तुम हमारी संपत्ति की देखभाल कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी कठिन है। हम एक निर्णय पर आए हैं, गरीब किसानों को 100 एकड़ जमीन देने की योजना बनाई है। कल गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेना। उसने अपने नौकर दासू को बताया। दासू कई सालों से राजीव के यहाँ नौकर के रूप में काम कर रहा था। दासू ने अपने सारे काम अच्छे से किए थे। दरअसल उसको राजीव की संपत्ति को लेकर लालच आ गया था, क्योंकि मालिक के बच्चे नहीं, कुछ समय में दासू राजीव की सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। तब तक दासू बहुत अच्छा बनकर रह रहा था, लेकिन मालिक के ऐसा कहने पर उसी पल उसके दिल में क्रूरता आ गई। ठीक है मालिक, मैं कल ही उन्हें बुला लूंगा, उसने कहा और वहां से चला गया। लगता है वो इस जमीन को गांव वालों को बांट देंगे। फिर मुझे, जो इतने सालों से सारी जायदाद की देखभाल कर रहा हूँ, क्या मुझे खाली हाथ रहना होगा? मैंने सोचा था कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो वो मेरे नाम पर सभी संपत्ति लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि मैं इसे गरीबों को दे दूंगा। वो मालिक के पास गया। मालिक, आपने जो आदेश दिया था, मैंने हमारे गांव के चबूतरे पर सभी को इकट्ठा किया है। गांव की सारी जनता आपका इंतजार कर रही है। चले क्यों दासू, इस समय आधी रात को? हाँ मालिक, वे सब दैनिक मजदूर है ना, पूरे दिन काम करते हैं, इसीलिए वे इसी समय फुर्सत में रहते हैं और आ सकते हैं। उन्हें इसी समय बुलाया। अच्छा चलो चलते हैं। जब वे जाने वाले थे, मैं भी आती हूँ, उन सभी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। वे तीनों कार में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वे गांव में उस बड़े चबूतरे पर पहुँचते हैं, लेकिन ये देखकर कि वहाँ कोई नहीं है। अरे दासू, यहाँ तो कोई नहीं है। तुरंत दासू ने अपने साथ लाया चाकू निकाल लिया और राजीव और उसकी पत्नी सुमति पर घूर कर उन्हें बेरहमी से मार डाला। पिछले कई दिनों से मेरा दिल घबरा रहा है और सपने आ रहे हैं कि वो मुझे मार रहे हैं।
वो ऐसा सोच रहा था और अपने कमरे में चला गया। राजीव और सुमति उसके कमरे में थे। उन्हें देखकर उसे पहले समझ नहीं आया कि ये असल है या सपना। वो उन्हें देखता ही रह गया। ये सपना नहीं है, ये सच है। जब मालिक की प्रेतात्मा ने ऐसा कहा तो दासू अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। तुरंत राजीव और सुमति ने उसका पीछा किया और उसे बेरहमी से मार डाला। जो दस्तावेज गरीब लोगों के नाम पर लिखे गए थे, वे उस दस्तावेज को गांव के सभा स्थल पर रख देते हैं। गांव के लोग ये देखकर खुश थे। राजीव और सुमति की आत्मा को शांति मिली और वे वहां से चली गईं। रंगाराव नायडू पालम गांव के सरपंच हैं। उस दिन वो अपने घर पर बैठकर कुछ गहराई से सोच रहे थे। इस बीच उनकी पत्नी वहां आई। सुनिए सुनिए, हालांकि उसने कई बार पुकारा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही सोचता रहा। फिर उसने जोर से आवाज दी, तब उसे होश आया। क्या भूलक्ष्मी, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? फिर क्या करती, मैं आपको इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, क्या आप फिर से उसी के बारे में सोच रही हैं? हाँ भूलक्ष्मी, मैं उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूँ। वो घटना अभी भी मेरी आंखों में है। कल आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर आया। हमारे सामने जो घर है उसकी छत पर एक महिला सफेद साड़ी पहने हुई थी और इतनी डरावनी थी, उतनी ही डरावनी जैसे कि एक भूत हो। वो थोड़ी देर तक मुझे घूरती रही और फिर छत से नीचे कूद गई। मैं वहां गया और देखा, लेकिन कोई भी नहीं था, कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। ये बहुत अजीब है। भले ही मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ लेकिन वो घटना मेरी आंखों के सामने तैरती रहती है। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं समझ पा रहा। देखो ये कोरी कल्पना है तुम्हारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। नहीं लक्ष्मी, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। मैंने अपनी आंखों से उस खतरनाक रूप को देखा है। जब भी वो मुझे याद हो आता है मैं डर जाता हूँ। हालांकि उसने कई बार उसे भूलने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं सुना। तब उसने कहा, ठीक है, मेरा मानना है कि जो भी आप बता रहे हैं वो सच है। अब उठिए, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। वो अपने कमरे में गई और सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे भी नींद आने लगी, वो सोफे से उठकर दरवाजा बंद करने के लिए गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि वो पहले ही कुछ अजीब देख चुका था, वो थर थर कांपने लगा। वो आवाज फिर से सुनाई दी और वो बहुत डर गया। रंगाराव डरते हुए बाहर आया और कांपती हुई आवाज से पूछा, कौन रो रहा है, वो कौन है? रोने की आवाज बंद हो गई। रंगाराव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वो अंदर जाने ही वाला था कि फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार तेज आवाजें सुनाई दी। उसने ना सुनाई दी इसीलिए अपने कान मजबूती से बंद कर लिए। उसके कानों से खून निकलने लगा, जिसे देखकर रंगाराव घबरा गया और ज्यादा डर गया। तभी एक प्रेतात्मा रंगाराव के सामने आ गई। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है और अंदर भागता है। पति की चीख की आवाज सुनकर उसकी पत्नी हॉल में आ गई। भूत भूत, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने पहले एक भूत देखा था, वही भूत हमारे घर में है, वो बाहर है, तुम चाहो तो खुद बाहर जाकर देख सकती हो। भूलक्ष्मी ने बाहर जाकर देखा लेकिन कोई नहीं था। नहीं, वो यही थी, वो भूतनी वास्तव में यहाँ आई थी। जब वो मुझे मारने वाली थी तो मैं उससे बचकर अंदर आ गया। सच कह रहा हूं मैं, मेरी बात पर विश्वास करो। भूलक्ष्मी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि वो पागल हो गया है। घर और बाहर जहां भी वो जाता, वो भूतनी केवल रंगाराव को ही दिखाई देती थी, इसीलिए वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगा था। ये देखकर गांव के लोगों के साथ साथ भूलक्ष्मी ने भी मान लिया कि रंगाराव पागल हो गया है। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वे सब सोचने लगे कि अगर वो बाहर घूमा तो खतरनाक हो जाएगा और उसे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन उस अंधेरे को भेदते हुए एक औरत जो रंगाराव को दिखाई देती थी,
रंगा राव के सामने आ गई। अब तक रंगा राव ने उस भूतनी का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, इस बार उसने देखा तो चौंक गया। तुम दमयंती? हाँ, ये मैं हूँ। तुमने मुझे सही पहचाना। डर के कारण रंगा राव को पसीना आ रहा था। दया करो, मुझे मत मारो, गलती मेरी थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। ओह, क्या तुमको जीवन के मूल्य का एहसास नहीं था? जब तक तुम्हारी जान खतरे में नहीं आ गई, तुमने मेरे खेत पर कब्जा करने की सोची, जो तुम्हारे खेत के बगल में था, और उसे अपने खेत की जमीन में मिलाने के लिए सोचा। जब तुम्हारे पूछने पर मैंने नहीं दिया, तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने मुझे भनक भी नहीं लगने दी, और बिना किसी को खबर हुए तुमने हमारे घर के पीछे एक नींबू पर कुमकुम हंदी लगा कर रख दिया। क्योंकि तुम सरपंच हो, तुम्हारे कहने पर सभी लोगों ने मान लिया कि मैं काला जादू कर रही हूँ। तुमने उन्हें बहकाया कि अगर ये जीवित रही तो वो लोगों के लिए खतरनाक होगा। उन सभी को उकसाया और मुझे पत्थर से पिटवा कर मार डाला। उस दिन मैंने भी तुमसे इसी तरह अपनी जान की भीख मांगी थी। क्या तब तुमने मेरी बात मानी थी? फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? नहीं, मुझे मत मारो। मैं सबके सामने सच्चाई स्वीकार करूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा खोई हुई इज्जत वापस दूंगा। तुम मेरी खोई हुई इज्जत वापस लाओगे, लेकिन मेरे जीवन को नहीं ला सकोगे। ठीक है, कम से कम मेरा नाम बुरे रूप में नहीं जाना जाएगा। वो एक माइक ले आई और उसे दे दिया। रंगा राव ने माइक पर गांव के लोगों को सब कुछ बताया। हर कोई चौंक गया और उस विषय के बारे में चर्चा करने लगा। वे सभी दमयंती की भलाई को जानकर बहुत दुखी हुए और उससे उन्हें माफ करने के लिए कहा। मैंने सच कह दिया, अब मुझे छोड़ दो, दया करो। अरे, अगर मैं तुम्हारे जैसे आदमी को छोड़ दूंगी तो कई लोग मेरी तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अगले ही पल उसने उसे मार डाला।